भारत और श्रीलंका के बीच नागपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन मेहमान टीम पहली इनिंग में 205 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में श्रीलंका की इनिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि निरोशन डिकवेला ने अपना सिर पकड़ लिया, वहीं भारतीय कप्तान डांस करते नजर आए। डिकवेला ने इस वजह से पकड़ा था सिर। मैच के दौरान ये इंसिडेंट 60.6 ओवर में हुआ, जब मेहमान टीम के लिए निरोशन डिकवेला और दिनेश चांडीमल बैटिंग कर रहे थे। इस बॉल पर डिकवेला ने आगे बढ़कर शॉट मारा, वे मिड विकेट के ऊपर से लंबा सिक्स मारना चाहते थे। डिकवेला की टाइमिंग खराब रही और बॉल मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे के हाथों में चली गई। इस शॉट को खेलते ही डिकवेला को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। उधर दूसरी ओर ईशांत के कैच लेते ही भारतीय कप्तान विराट कोहली बेहद खुश हो गए और खुशी के मारे डांस स्टेप्स करने लगे। डिकवेला जब आउट हुए तब श्रीलंका टीम का स्कोर 160 रन पर 5 विकेट हो गया और इसी जोश में विराट डांस कर रहे थे। करुणारत्ने ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही वो ईशांत शर्मा का शिकार बन गए। श्रीलंका का चौथा विकेट गिरते ही टीम इंडिया ने मैच पर शिकंजा कस लिया। अश्विन और जडेजा ने श्रीलंका के 8 विकेट 184 रनों पर गिरा दिए। श्रीलंका के कप्तान दिनेश चांडीमल ने जरूर अर्धशतक जमाया, लेकिन ईशांत अश्विन और जडेजा की कसी गेंदबाजी के आगे उनकी टीम महज 205 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच में श्रीलंका के कप्तान दिनेश चांडीमल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें और क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।